Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shruti and welcome to Shruti Meko. कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के लिए आई हूँ कर्ल कैसे करते हैं, कर्ल करने का सही तरीका, कर्ल कितने तरह के होते हैं एंड कर्लिंग मशीन कितनी तरह की होती है. सो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 3 कर्लर हैं. मैं आपको बता देती हूँ सब अलग अलग ब्रांड की है. ये जो मैं फर्स्ट आपको दिखा रही हूँ इसे हम चॉपस्टिक बोलते हैं, ये हेवल्स की है. नेक्स्ट ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है आइकॉनिक की कर्लर, आप टोंग भी इसको बोल सकते हो. इसका जो नंबर है 22 mm. आप 22 mm का लोगे तो ज़्यादा सही रहता है. इसमें बहुत ज़्यादा मोटे कर्ल्स भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा पतले भी कर्ल्स नहीं होंगे. एंड आइकॉनिक एक बहुत अच्छी ब्रांड है, ये प्रोफेशनल है एंड बहुत अच्छी तरह से वर्क भी करती है. इवन आप हेवल्स की भी ले सकते हो जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो इस तरह की आपको आराम से मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे आप ले सकते हो. नेक्स्ट मेरे पास है वेगा की कलर जो कि मेरी लाइफ का फर्स्ट परचेज है. इसको मैंने परचेज़ किया था जब मैंने पार्लर खोला था उसके 1 साल के बाद. सो ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबा है एंड बहुत अच्छे से हेयर को होल्ड करता है. एज़ कम्पेयर टू आइकॉनिक, वेगा की जो कर्ल्स होती है ना थोड़ी टिकती नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको हार्ड स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा. अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छा है. 1200 अगर आपका बजट है तो आप इसको ले सकते हो. बिल्कुल भी कर्ल्स खुलेंगे नहीं, बस थोड़ा सा आपको हार्ड करना होगा. इसका जो आप लंबाई देख सकते हो काफ़ी है. ये वाला जो वीडियो मैंने शूट किया मैं अपने स्टूडेंट लोग को भी सिखा रही हूँ, टोटल अभी सीख रही है बहुत सारी स्टूडेंट मेरी 5, तो ब्यूटिशियन कोर्स उनको सिखा रही हूँ. तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ, आप भी शेयर कर लेती हूँ, उनको समझा रही हूँ. इस वजह से मेरी हाथ की मूवमेंट आप देख रहे होगी, इधर उधर जा रही है. सो तीनों कलर की मैं आपको प्राइस बता देती हूँ. वेगा की 1200, सेकेंड जो मैंने ली है हेवल्स की, इसका नंबर आप देख लो SC4031. इसकी प्राइस है 1600-1500, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी. इसकी रियल प्राइस 2200 है, आइकॉनिक की 2500. नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे हेयर स्प्रे दिखा रही हूँ. मैं इंजो कंपनी की यूज़ कर रही हूँ. आपको एक हेयर स्प्रे भी चाहिए आप गिट्स पे की यूज़ कर सकते हो, स्कार्सकॉफ की यूज़ कर सकते हो, नोवा गोल्ड की यूज़ कर सकते हो एंड आप बहुत सारे ब्रांड में आती है आप यूज़ कर सकते हो. आप पे डिपेंड करता है वो कौन सा यूज़ करना. मेरे पास अभी यही अवेलेबल है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको कर्ल्स बताती हूँ अपनी ही, मैं किसी एक स्टूडेंट पे आपको बता रही हूँ. आपको चाहिए इस तरह की कॉम, ठीक है? तो मैं तो सिर्फ कर्ल्स उनको बता रही एंड वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पहले टॉवल दे दिया बॉडी पे यानी शोल्डर पे ताकि हमारे क्लाइंट को लगे नहीं. सबसे पहले मैं आपको वेगा की कलर से बता रही हूँ. इस तरह से ये ऑन हो जाता है प्रेस करने पे, सेंटर पे डिग्री की टेम्परेचर है 230 तक है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, जो ये मेटल का आप देख रहे हो ना सिल्वर कलर में, इसको आप ओपन भी कर सकते हो एंड बंद भी कर सकते हो, ठीक है? ये वाला थोड़ा सा कलर हैवी लगता है जब आप इसको हाथ में लोगे एंड इसकी जो डिग्री होती है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती है. जैसे कि 230 पे मैंने सेटिंग कर दी थी बट कभी 110-180 हो जाती है. ईयर टू ईयर हेयर डिवाइड कर देना है पीछे में, इस तरह से हेयर को निकालना है, नीचे से स्टार्ट करना है आपको. बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन आपको नहीं लेना है एंड मैं आपको बहुत डिफरेंट कर्ल्स आपको बताऊँगी. टोटल मैं आपको 6 कर्ल बताऊँगी. सो सबसे पहला मेथड है आपको टोंग या कर्लर के ऊपर इस तरह से हेयर को रोल करना है, ठीक है? आपको इस तरह से नीचे की ओर रखना है इसका पोजीशन एंड इस तरह से बस आप जो कलर को पकड़ रहे हो, टोंग को पकड़ रहे हो, उसकी तरफ राउंड राउंड कर देना, ठीक है? इससे थोड़े से वेवी कर्ल्स आते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है एंड जैसे कि जिनको बहुत लाइट कर्ल पसंद हो उनके लिए बहुत अच्छा है. सो हमारा ये है फर्स्ट कर्ल, आप देख सकते हो. इसके बाद आप तुरंत स्प्रे कर दोगे तो बहुत ज़्यादा होल्ड हो जाएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी. इस तरह से हल्का हल्का पुल कर दोगे तो बहुत ही वेवी टाइप लगता है. ऑलराइट, देख सकते हो आप फर्स्ट कर्ल हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट कर्ल्स होंगे. नेक्स्ट हम फिर से एक पोर्शन को लेंगे. इस बार मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और वेवी कर्ल्स बता रही हूँ आप लोगों को. तो आपको इस तरह से खोल लेना है कर्लर के टोंग को. नेक्स्ट इसके अंदर हेयर को इस तरह से रोल करना है, आप समझ गए? एंड इस तरह से क्लोज कर देना है, फिर डन, आप समझ गए? इससे भी सेम फर्स्ट कल हमने जैसा किया वैसा ही कुछ लुक आएगा. बॉलीवुड वेव्स आप देखते होंगे, एक्ट्रेस सब बहुत करवाती, हिना खान, इस टाइप के कर्ल्स उन लोग के हेयर में बहुत दिखेंगे आपको. सो ये कर्ल्स काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया, कभी कभी हेयर फंस जाते हैं. तो ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया. थर्ड जो कि सबसे टफेस्ट मेथड होता है कर्लिंग का एंड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हेयर स्टाइलिस्ट प्रोफेशनल यूज़ करते हैं. ये वाले टेक्निक आप सीख लोगे तो आप कोई सभी कर्ल्स कर लोगे. इस तरह से आपको खोल देना है, ठीक है? कर्लर को ट्विस्ट कर देना है जैसे हम फ्लैट आयरन में बताते हैं आप लोगों को,
कलर को फिर ट्विस्ट, हेयर को फिर ट्विस्ट, ये जो आपको दिख रहा है पोजीशन खोलने वाला टोंग का, इसको धीरे धीरे खोलते जाना इस तरह से एंड चारों तरफ हेयर को रोल करते जाना। बस इसको हल्का हल्का आपको इस तरह से आपको खोलना है, हल्का हल्का सारे हेयर को अंदर रोल रोल करना है आप लोगों को इस तरह से। टोंग खुलने का जो पोर्शन होता है उसको थोड़ा प्रेस कीजिएगा, बहुत ज़ोर से मत कीजिएगा, बहुत हल्के से, बस इस तरह से चारों तरफ हीट लगती है। ये वाला जो कर्ल होता है ना, ये सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं हर एक हेयर में प्रॉपर हीट लगता है। सो ये वाला कर्ल किनको देना है, जिनके हेयर लंबे रहते हैं, जिनके हेयर में कर्ल्स टिकते नहीं हैं, बस इस तरह से खोल देना। एंड इसमें थोड़े से हेयर छोटे नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर एक हेयर में हीट बहुत अच्छे से लगता है। सो बहुत अच्छा कर्ल्स होगा, लॉन्ग हेयर के लिए परफेक्ट है। तीन कलर हो गए हैं, अब मैं आपको फोर्थ बताऊंगी, ठीक है। ये अभी मैं वेगा कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये है सबसे ईजीएस्ट मैटर, इस तरह से आपको टोंग को खोल लेना है, ठीक है। आपको एकदम नीचे की ओर जाना है, एकदम लास्ट पोर्शन में आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, एंड इस तरह से रोल कर देना है, बस ये हो गया फोर्थ मैथड। बस इस तरह से आपको घुमाते जाना है, मतलब बस राउंड कर देना है, एंड ये हमारा हो गया फोर्थ मेथड। आप मुझे बताओ इन चारों में आपको कौन सा मेथड इजी लगा। अगर आपको अभी भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी, रिप्लाई दूंगी। तीनों का तीनों कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि आपको कौन सा पार्लर के लेना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब पार्लर स्टार्ट किया था मेरा बजट ज़्यादा नहीं था, 1000 रुपीज़ से ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने वेका कलर लिया था। उस टाइम मेरे लिए 2000 रुपीज़ बहुत मायने रखता था, तो मेरी तरह आप भी बहुत लोग होंगे जिनके लिए 2000 मायने रखता है। सो आप स्टार्टिंग में कम बजट का भी ले सकते हो, धीरे धीरे अगर आपके पास जैसे पैसे आ जाएंगे, क्लाइंट आएंगे, उस अकॉर्डिंग आप महंगा कलर ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। इस तरह से भी आप स्प्रे कर सकते हो, स्प्रे थोड़ा दूर से कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पास से मत कीजिएगा। फिर से एक पोर्शन मैं निकाल रही हूँ एंड फिर से मैं रिपीट करूँगी। इस तरह से आपको खोलना है टोंग को, अंदर हेयर को देना है, ट्विस्ट करना है, यानी टोंग को टर्न करना, प्रेस एंड प्रेस करके आपको खोलते जाना है हल्का हल्का, हर एक हेयर को रोल करते जाना है। ये वाला कर्ल अगर आप सीख जाओगे ना, तो इंगेजमेंट ब्राइड, कोई भी ब्राइड आती है ना, उनको आप ये वाला कर्ल देना, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये वेगा का जो कर्ल मैंने बताया, इसके कर्ल भी खुलते नहीं है, बहुत ऐसे कर्लर होते हैं जिनके कर्ल्स खुल जाते हैं बट इसके नहीं खुलते हैं। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ उसको लेके, 3 साल तो अब होने वाला है मैंने इसको जब लिया था, इस दिवाली में 3 साल आई थिंक हो जाएंगे, एंड मेरे पार्लर का भी 3 साल हो चुका है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। बस आपको स्प्रे कर देना है, आप देख सकते हो तुरंत स्प्रे कर देने से क्या होता है, होल्ड ज़्यादा हो जाता है। फिर से वही मेथड मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से हेयर को अंदर डालना है, प्रेस करते जाना है हल्का हल्का, टोंग के अंदर सारे हेयर को इस तरह से ट्विस्ट करते जाना है। आपको ना बस जो कलर है उसको घुमाना है एंड हेयर को भी घुमाना है। आप ऐसा मत समझिएगा, जोर जोर से खींचने नहीं लगना है, उसमें क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग लगेगा। इसके बाद मैंने क्या किया था, अपनी स्टूडेंट लोग को करने दिया था कर्ल। मैं पार्लर में कैसे सिखाती हूँ, जैसे मैं कुछ बता देती हूँ उनको, जैसे कर्ल मैंने बता दी, उसके बाद मैंने उनको एक बार ट्राई करने को दिया। अभी 5 है जैसे, तो एक एक करके सबको देना होता है। सो फिर एक एक कर्ल उन्होंने भी किए, तो इससे क्या उनका भी हाथ फ्रेश होगा, फिर नेक्स्ट डे मैं प्रैक्टिस करवा देती हूँ। तो आप भी अपने पार्लर में इस तरह से सिखा सकते हो, अगर आपको आइडिया नहीं था तो आपको आइडिया लग गया होगा। स्प्रे डन, ये कर्ल्स कभी नहीं खोलेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको वो वाला कर्ल दिखा रही हूँ जो कि मैंने आपको सेकेंड बताया था। ये थोड़ा सा वेवी कर्ल होता है, बॉलीवुड वेव्स आप इसको बोल सकते हो। देखो ये वाला, आपको ये वाला बहुत पसंद आएगा, ये आप एक्ट्रेस सबको देखते होंगे ये वाला कर्ल। देखो इस तरह से पुल कर देना है, मैं आपको ना हैंड में लेके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। देखा आपने ये वाला, डन। अब मैंने अपनी स्टूडेंट को दिया है, तो मैंने क्या बोला, चारों में सबसे ईजी कर्ल ये वाले होते हैं। लास्ट कर्लर में हेयर को थोड़ा सा फंसाइए, नीचे लाइए कर्लर को और राउंड राउंड कर दीजिए, थोड़े से मोटे सेक्शन, लेकिन उन्होंने किया था तो बहुत प्यारा हुआ, आप देख सकते हो। अब मैं आपको आइकॉनिक से बता देती हूँ, ठीक है। आइकॉनिक से भी हम नीचे से प्रेस करेंगे, एकदम ज़ोर से प्रेस करना होता है आप लोगों को। ऑन 230 पे मैं कर रही हूँ, 210 पे करूँगी, 210 की ही सेटिंग इस पे है। इस तरह से हेयर को लिया हमने, अंदर की ओर डाला, अब इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, टोंग को भी ट्विस्ट करते जाएंगे या कलर को,
ध्यान से इस तरह से धीरे धीरे हर एक हेयर में हीट लगना चाहिए, हल्का हल्का प्रेस प्रेस प्रेस, कलर को प्रेस प्रेस प्रेस। ये वाला कर्ल अगर आप सीख जाओगे ना करना, तो आप कोई सा भी कर्ल्स कर लोगे, क्योंकि सबसे टफेस्ट कर्ल यही होता है। अब मैं खोलने का तरीका आपको बताती हूँ। इस तरह से भी आप खोल सकते हो, थोड़े से हेयर फंस गए थे मेरे बट आराम से खुल गए, तो आप देख सकते हो कितने प्यारे कर्ल्स हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, मुझे कर्ली हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। स्प्रे डन, फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। इस तरह से घुमाते जाना है आप लोगों को, प्रेस करते जाना है, कलर को टर्न कीजिए, हर एक हेयर में हीट लगने चाहिए, खुलने नहीं चाहिए हेयर, बस प्रेस प्रेस प्रेस, सारे हेयर को अंदर की ओर डालना है आपको, कम से कम 30 सेकेंड के लिए रहने देना है एंड देन आपको रिमूव करना है। ये वाला कर्ल आप देखो कितना ज़्यादा कर लूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वाला कर्ल बहुत टिकता है। लास्ट भी हम इसी तरह से कर देंगे। इस बार मैं अंदर की ओर से कर रही हूँ, इन कर्ल्स कर रही हूँ, अंदर की ओर से मैंने ट्विस्ट किए हेयर को, आप देख सकते हो। आपको जो इजी लगता है आप कीजिए, आउट कर्ल्स इन कर्ल्स, मैं बोलूँगी आप दोनों मिक्स करके करना। अभी तो मैं सिखा रही हूँ, इस वजह से मैंने आपको 5 डिफरेंट या 6 डिफरेंट वे में बताया, ये पचमा हो गया, क्योंकि मैंने इसमें आपको इन कर्ल्स बताया है अंदर की ओर से। तो क्लाइंट को ऐसा नहीं करना है, क्लाइंट को एक ही तरह के कर्ल्स दीजिएगा, ऐसा नहीं अलग अलग, जैसे कि वेवी कर्ल देना है वेवी कर्ल दीजिएगा, सॉफ्ट कर्ल्स देना है सॉफ्ट कर्ल्स दीजिएगा, थोड़े से हैवी कर्ल्स देने हैवी कर्ल्स दीजिएगा, एक तरह के कीजिएगा। वो तो मैं सिखा रही हूँ, इस वजह से मैं डिफरेंट डिफरेंट बता रही हूँ, अदरवाइज क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा एंड फिनिशिंग भी नहीं लगेगा। मैं तो क्लासेस की वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, इस वजह से अलग अलग मैं सिखा रही हूँ, क्लाइंट को एक ही तरह का कीजिएगा, ठीक है ना। सो अब हम इसको भी खोल देंगे। देखो ये वाला कर्ल्स भी आप देख सकते हो, ये अंदर की ओर से आपको दिख भी रहा होगा डायरेक्शन। स्प्रे इस तरह से पकड़ के भी आप स्प्रे कर सकते हो, तीनों कर्ल्स आप देख सकते हो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैंने अपनी स्टूडेंट लोगों को दिया था प्रैक्टिस के लिए, तो आप देख सकते हो सॉफ्ट कर्ल, ये फर्स्ट वाला मेथड है सॉफ्ट कर्ल। इस तरह से अपनी स्टूडेंट को समझा रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरह से करना है, तो मैं उनको समझा रही थी। धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे, कोई भी टफ नहीं होता ये सब काम करना, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना आपका हाथ इतना ज़्यादा फ्रेश होगा। एंड आइकॉनिक की कर्लिंग टिकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दोनों की ठीक ही है, वेगा की भी इतनी ही टिकती जितनी आइकॉनिक की, बट मुझे ऐसा लगता है आइकॉनिक से थोड़ा सा साइन आता है हेयर में। अब देखो जैसे मैंने आपने दूसरी स्टूडेंट को दिया, इनसे हो ही नहीं रहा था, मतलब ये डर बहुत ज़्यादा रही थी, तो मैंने बोला कोई नहीं धीरे धीरे हो जाएगा। तो जब आपके स्टूडेंट लोग भी डरने लगे ना, तो आप उनको खुद से पकड़ के एक बार समझा दो, जैसे मैंने एक बार समझा दिया किस तरह से हेयर को ट्विस्ट करना है, तो धीरे धीरे उनसे भी हो गया। बस फर्स्ट अटैम्प में तो कुछ भी आपसे नहीं होगा, मुझसे भी फर्स्ट अटैम्प में नहीं होता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे पार्लर में आपका हाथ इतना फ्रेश होगा, आप गलती करोगे तभी आप सीखोगे, कोई भी एक बार में नहीं सीखता है, गलती कीजिए तब आप को समझ आएगा कि अपनी गलती की एंड उससे इम्प्रूव कीजिए। आप लोग जैसे मुझे कुछ इम्प्रूव करने बोलते तो मैं करती भी हूँ। फ्रंट के कैसे करने हैं आपको, अंदर की ओर से करने, इस तरह से आपको देखो इस तरह से रखा आपने एंड बस आपको कलर को इस तरह से एकदम स्लो में समझा रही हूँ, बस इस तरह से अंदर की ओर से कर्ल करते जाना है। सो फ्रंट की आपको इसी तरह से करने हैं, फ्रंट के तो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट लोग ने कर दिए थे, मैं किसी और वीडियो में आपको एक तरह कर्ल्स दिखा दूंगी ना, जैसे कि हिना खान के आप देखते होंगे, मुझे हिना खान के हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं कर्ली वाले, मैं आपसे वो जरूर शेयर करूंगी, इंस्पायर उनका मैं ले लूंगी कोई पिक्चर एंड देन मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये वाला कर्ल्स भी काफ़ी अच्छा होता है, आप देख सकते हो। सो अगर आपका बजट 2500 का या 2400 का है तो आप आइकॉनिक का ले लो, अगर आपका बजट 1100 का है तो आप वेगा का ले लो, वेगा वाला थोड़ा सा हैवी लगेगा लेने पे, हाथ में लेने पे। नेक्स्ट मैं हैवस का ऑन कर रही हूँ, इसमें कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं, डायरेक्टली ऑन हो जाता है, चॉप स्टिक इससे हम बोलते हैं। इस तरह से नीचे की ओर डायरेक्शन करना है, बस इस तरह से पतले पतले हेयर लेने हैं एंड इस तरह से रोल कर देना है। यहाँ पे भी मैं आपको दो मेथड से बताऊंगी करना, ठीक है। ये 7 हो गए, मैं आई थिंक आपको 7 वे में बता रही हूँ आज। फर्स्ट ये हो गया, इसे हम मैगी कर्ल्स बोल सकते हैं।
देख सकते हो कितना प्यारा वाला कर्व्स हुआ है। बहुत लोग मुझसे प्रीवियस वीडियो में पूछ रहे थे कि मैम आपने कौन सा कलर यूज़ किया है, तो हैवल्स का कलर है, काफ़ी अच्छा चॉपस्टिक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करो। फ्रंट के फ्लिक्स या फिर जो हम लटे निकालते हैं ना, वो सब करने के लिए बहुत अच्छा है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका कर्व्स तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग, अगर आप स्प्रे नहीं भी करते हो ना तो एक हफ्ते तक रहेगा। मेरे हेयर में तो एक हफ्ते तक रहा था, मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, आई थिंक 4 या 5 डेज मैंने नहीं किया था एंड पूरा का पूरा वैसे टिका रह गया था, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। नेक्स्ट मैं आपको दूसरा बता रही हूँ, इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा मोटा पोर्शन लेना है, ठीक है, वो तो मैगी कर्ल्स हो गए थे, इसमें थोड़ा मोटा लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला लेने की आपको नीड नहीं है। मोटा लेके इस तरह से आपको ओपन करना है एंड इसे खींच देना है, देखो इस तरह से, तो ये भी वेवी कर्ल हो जाते हैं, बॉलीवुड वेव टाइप, देख सकते हो आप, वे देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ये वाला कर्ल सबसे फेवरेट लगा, सबसे बेस्ट लगा मुझे, तो इसके बाद फिर मैंने अपने स्टूडेंट लोग को दे दिया, तो उनसे हुआ इतने अच्छे स्थाने, बट कोई ना, वो लोग भी सीख लेंगे। डन डना डन, तो टोटल हेयर में हो चुके हैं, आप देख सकते हो होल लुक, मिक्स टाइप के कर्ल्स है यहाँ पे एंड ये कर्ल्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, कम से कम क्लाइंट के हेयर में 48 आवर्स तो ज़रूर रहेंगे, क्योंकि कर्ली बहुत ज़्यादा टिकती है अगर आप सही तरीके से करो, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फ्री होता है सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।